A very warm greeting to you all. I am Dr. Surbhi Mathur from the Department of EAFM from Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Today I am going to discuss with you about the Federal Reserve of USA. Students in the BCom and in MCom also, you studied about the RBI also. कि आरबीआई किस तरीके से वर्क करता है और इन इंडिया आरबीआई इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम. उसी तरीके से यूएसए में भी जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो है फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए, जो कि सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और सारे बैंकिंग एंटिटीज पूरे यूएसए की इकोनॉमी पे कंट्रोल करके चलता है. तो आज हम पढ़ेंगे फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए के बारे में. फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए और फेडरल रिजर्व सिस्टम को वहां पे फेड के नाम से जाना जाता है, FED. तो जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है, इट इज द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द यूएसए एंड इट इज अ मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. And it was founded by the U.S. Congress in the year 1913 and its headquarter is situated in Washington, D.C. जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है वो कंट्री को एक सेफ, फ्लेक्सिबल और स्टेबल एंड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है, कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्रोवाइड करता है. द फेड्स मेन ड्यूटीज इंक्लूड कंडक्टिंग नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट सुपरवाइजेज एंड रेगुलेट बैंक्स ऑल्सो. जो इनके मेंबर बैंक्स हैं या जो इसके रीजनल बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करता है, इनका रेगुलेशन करता है. जैसे कि हम लोगों ने RBI में स्टडी करा था, RBI ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग बिकॉज वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया. तो वैसे ही USA में भी जो फेड है वो सारे बैंक्स को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है. उसका मेन मोटो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मार्केट में मनी के फ्लो को मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और सारे सेक्टर्स को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, चाहे वो हाउस होल्ड्स हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो. तो फेड का मेन वर्क वही है जो RBI के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. टू इट इंक्लूड्स कंडक्टिंग नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, इट सुपरवाइजेज एंड रेगुलेट बैंक्स, इट मेंटेन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज टू द डिफरेंट सेक्टर्स इन द US इकोनॉमी. अब उसके बाद में अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ फेडरल रिजर्व ऑफ USA. जो फेड के फंक्शंस हैं वो इस प्रकार से है. इसके 5 फंक्शंस हैं. फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, सेकंड इज फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, थर्ड इज रिलेटेड विद द सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट इज रिलेटेड विद द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड द लास्ट वन इज रिलेटेड विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ about all the functions of Fed. First is conducting monetary policy. जो हम already पढ़ चुके हैं कि monetary policy क्या होता है. Monetary policy पूरे economy system में, market में और economy में money के flow को control करती है, जिससे कि price stabilize हो और मार्केट में मनी का फ्लो प्रॉपर हो, जिससे कि पूरी इकोनॉमी प्रॉपर वर्क कर सके. तो इसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन मोटो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना एंड टू प्रमोट एंड स्टेबलाइज प्राइजेज, जिससे कि जो भी उनके कंज्यूमर्स हैं या बिजनेस पर्सन हैं उनको इजीली मनी की अवेलेबिलिटी होती रहे. अगर मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा है या मार्केट में मनी का फ्लो कम है तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती हैं. और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये FOMC दैट इज फेडरल ओपन मार्केट कमिटी के थ्रू इसका एग्जीक्यूशन किया जाता है एंड इट टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. इसमें गवर्नर, चेयरपर्सन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो 12 रीजनल
रिजर्व बैंक्स हैं, फेडरल रिजर्व बैंक्स हैं यूएसए में, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, अगर मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा है या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो जो फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए है वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो एक्स्ट्रा मनी है फ्लो हो रही है मार्केट में वो कंट्रोल में आ जाएगी, जिससे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टाइट हो जाएगी। उसी तरीके से जब मार्केट में मनी का फ्लो कम होता है तो फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि मार्केट में मनी का फ्लो मेंटेन रहे और जिससे कि जो भी असेट प्राइस है वो बूस्ट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग फील्ड्स में और मार्केट में मनी का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो एफओएमसी है वो प्रेस रिलीज करती है, उसमें बताती है कि हम लोगों ने इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, मार्केट में मनी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये डिसीजंस लिए हैं। तो वी कैन गो थ्रू विद द प्रेस रिलीज कि क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, कहाँ पे रेट्स इंक्रीज या डिक्रीज की गई है टू मेंटेन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, और जिससे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो और इनका जो मेन मोटो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग स्टेबल प्राइजेस, इट कैन ओनली बी अचीव बाय कंडक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ द एफओएमसी। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी किसके थ्रू पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प के थ्रू ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉसिबल है और इनका मेन मोटो है कि जो भी हाउस होल्ड्स हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज हैं, कमिटीज़ हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, उन सबको सारी फैसिलिटीज़, फाइनेंस की फैसिलिटीज़, मनी की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो उसके लिए उनका ये मेन मोटो रहता है कि हमेशा फाइनेंस अवेलेबल हो और जो भी सिस्टम है और जो भी बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रॉपरली और अकॉर्डिंग टू द लॉ वर्क कर सकें, जिससे कि उन लोगों को प्रॉपर अवेलेबिलिटी होती रहे। तो उसके लिए जो फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है कि कहीं कि इन सब के बीच में जो लिंकेज है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सेवर्स है, बोरर्स है, बिजनेस पर्सन है, दे आर वर्किंग वेल और नॉट, इनको टाइम टू टाइम फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए वो कंटिन्यू मॉनिटर करता है इन सब की एक्टिविटीज़ पे। जब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम और जो भी उनके पास में सिक्योरिटीज के फ्रेम में जो भी उनके पास में मनी कलेक्ट होता है उसके थ्रू उन्होंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि हम लोगों ने आरबीआई में पढ़ा था कि आरबीआई भी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करता है, उनके ऊपर रेगुलेशन रखता है, कंट्रोल रखता है विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सम लॉज विच इज मेंशन इन द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसी के अकॉर्डिंग जो फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए है वो भी अपने जो फेडरल रिजर्व के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सारे बैंक्स को फॉलो करने के लिए कहता है कि इफ़ यू विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ही आप अपना जो बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, वो कंटिन्यू कर पाओगे। तो उसके लिए वो टाइम टू टाइम इन सबकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है कि ऑल आर वर्किंग वेल और नॉट, कि वो लोग टाइम टू टाइम जितना उनको मेंटेन करने को बोला है
फंड्स मेंटेन करने को बोले हैं, सिक्योरिटीज इशू करने को बोली है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना लैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेफली लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी सुपरवाइज की जाती है बाय द फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए। वो ये भी देखते हैं कि जो भी फॉरेन ब्रांचेस हैं या फॉरेन बैंकिंग ऑपरेशंस हैं इन द यूएसए वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी स्टेट मेंबर बैंक्स हैं या डोमेस्टिक फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हैं, फॉरेन फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हैं, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट, जिनका जितना उनको प्रिस्क्राइब कर रखा है लिमिट उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितना उनको फंड मेंटेन करने को बोला है, जितना उनको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को बोला है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और नॉट, इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो और रिस्क के अकॉर्डिंग वो कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इफ दे आर फॉलोइंग तो उनका जो स्टेटस है वो इंक्रीज होता है, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो उनको जो लाइसेंस है उनको कैंसिल कर दिया जाता है या उनके ऊपर स्ट्रिक्ट या डायरेक्ट एक्शंस लिए जाते हैं थ्रू द फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए। नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सेफ्टी एंड एफिशेंसी, कि जो भी पेमेंट सिस्टम है, जो भी कैश है, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या करता है, एक तो फेडरल रिजर्व सिस्टम वर्क एज अ बैंकर्स बैंक, वर्क एज अ एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर, वर्क एज एन एजेंट भी वो वर्क करता है, इनका प्रॉपर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी पॉलिसीज के थ्रू इनके ऊपर कंट्रोल रखता है, रिसर्च करता है कि जो भी पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, एंड द फेडरल रिजर्व वर्क्स टू प्रमोट अ सेफ एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल सिस्टम फॉर यूएस डॉलर ट्रांजेक्शन्स, और वो ये देखता है कि सारे जो बैंक्स को फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया जा रहा है या उनमें जो बैंक टू बैंक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन इट ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स whenever they required they are providing financial services to their customers, और government को भी वो finance provide करता है whenever they required on the behalf of the government they are issuing the US government securities, whenever the government required money तो ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि हम लोगों ने आरबीआई में स्टडी करा था कि आरबीआई भी किस तरीके से वर्क करता है, इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, इट एक्ट्स एज एन एजेंट, इट एक्ट्स एज एन गवर्नमेंट बैंक, तो उसी तरीके से जो फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए है वो भी वर्क करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इट क्लियर्स फ्रॉम द नेम कि कंज्यूमर प्रोटेक्टिव है कि नहीं है, उनको टाइम टू टाइम मनी की अवेलेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, उनका हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, और कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो फेडरल रिजर्व एडवांसेस सुपरविजन कम्युनिटी री इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज policies and practices on the consumers and community. तो जो bank account है वो जैसे saving account है, RD account है, ये सारे accounts properly execute हो रहे कि नहीं हो रहे, उसमें कितना fund आ रहा है, कितना money आ रहा है, ठीक है, और customers easily accessible कर पा रहे हैं क्या हर चीज़ को, उनको सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो भी एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी उसके बारे में अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको टाइम टू टाइम फंड्स की अवेलेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फेयर हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फेयर क्रेडिट
फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लैंडिंग फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उन सब के ऊपर कंट्रोल होता है फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए का, कि जो भी कंज्यूमर है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और उनको टाइम टू टाइम फंड्स की अवेलेबिलिटी रहे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेडरल रिजर्व.